हाँ जी, तो जब मैं बैचलर्स कर रहा था तब मेरे को ये लग रहा था कि मास्टर्स का एडमिशन भी उतनी आसानी से मिल जाएगा जितनी आसानी से बैचलर्स का मिला, बट नहीं भाई, मास्टर्स इज समथिंग एल्स। मैं पिछले 10 दिनों से भी नहीं, मैं कम से कम पिछले 20 दिनों से सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मेरी प्रोफाइल मैच कर सके। एंड भाई साहब, अब तक मेरे पास प्रॉपर 3 या 5 कॉलेजेस नहीं मिले मेरे को। एंड आई एम डैम श्योर कि अभी ये जो स्ट्रगल है और ये जो हसल है ये कुछ दिन और चलेगी। दोस्तों नो, मैंने एरोस्पेस से बैचलर करी है एंड यही चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है, बिकॉज जिस जगह पर, जिस कंट्री में मैं मास्टर्स के लिए ढूंढ रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर ऑल टोटल केवल 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एरोस्पेस है। एंड अब आप ही सोच सकते हो कि अगर केवल 5 यूनिवर्सिटीज़ है देन कितना कॉम्पिटिटिव हो जाता है। एंड यही रीज़न है कि ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है एंड सीट्स भी लेस होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से अब मेरे को और अपने ऑप्शंस ढूंढने पड़ रहे हैं कि जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकूँ। अब ऑप्शंस तो मिल रहे हैं बट वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा बैकग्राउंड एरोस्पेस से है एंड मैं कैसे मैच करा सकता हूँ। फिलहाल मेरा पूरा दिन गुजर रहा है सिर्फ डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ बात करने में, कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके प्रोफेसर से किसी ना किसी तरह कॉन्टैक्ट हो जाए, उनके साथ मैं अपनी प्रोफाइल और जो मेरा रिसर्च है जिस चीज़ के ऊपर मैं करना चाहता हूँ अपनी मास्टर्स के टाइम पे, जो प्रोजेक्ट पर मैं काम करना चाहता हूँ उसके बारे में डिस्कस करने पे, कि कहीं ना कहीं से कोई प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी का कन्विंस हो जाए कि हाँ, दैट आई एम अ राइट चॉइस फॉर दैट परफेक्ट सीट जो कि मास्टर्स में आपके अवेलेबल है। एंड ऐसा इसलिए बिकॉज अंटिल और अनलेस अगर वहाँ का एक प्रोफेसर रेडी नहीं हो रहा है कि वो आपको सुपरवाइज करने वाला है थ्रू आउट 2 साल के लिए, आप फॉर्म भी नहीं भर सकते उनका। एंड दैट मेक्स दिस प्रोसेस मोर डिफिकल्ट, क्योंकि यार हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं वहाँ ये किसी प्रोफेसर को। एंड ये चीज़ कभी ना कभी यार मेरे को डाउट में डाल रही है कि क्या एरोस्पेस करना सही था। हाँ, एक तरफ ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं कि मैं प्रोफेसर्स को मेल लिख रहा हूँ एंड सब कुछ कर रहा हूँ उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अब आपके फॉर्म में LORs चाहिए होते हैं, आपको SOPs चाहिए होते हैं, पता नहीं कितने प्रोफेसर्स मैं रोज बात कर रहा हूँ जो मेरे बैचलर्स में मेरे टाइम पे थे कि आप एक LOR लिख दो मेरे लिए। एंड मोस्ट ऑफ देम आर आस्किंग मी कि तुम्हें खुद ड्राफ्ट करके भेज दो एंड देन वी विल अपलोड इट। भाई वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे नो कि कौन सा LOR खुद प्रोफेसर ने लिखा है एंड कौन सा LOR किसी बच्चे ने ड्राफ्ट करके प्रोफेसर को सिर्फ अपलोड करने के लिए लिखा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोफेसर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बट चीज़ें वहीं पर अटकी हुई। अपने इस छोटे से एक्सपीरियंस से जो मेरे साथ हो रहा है पिछले 20 दिनों के आसपास से, उससे मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मास्टर्स का प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर में, देन इतना ज़रूर दिमाग में बैठा लो कि बैचलर्स में जिस हिसाब से एडमिशन मिला है जितनी आसानी से, उससे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं आपके लिए। बिकॉज ये बैचलर्स नहीं है, इट्स मास्टर्स। यहाँ पे आपको स्क्रैच से फिर से शुरू करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन, प्रोसेस पूरा डिफरेंट है, हर चीज़ नहीं होगी आपके लिए। आपको अपने प्रोफेसर जो आपको पढ़ा चुके हैं उनके साथ भी डील करना पड़ेगा, वो प्रोफेसर जिनसे आप कभी मिले भी नहीं हो, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाह रहे हो उन सब के प्रोफेसर से आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। एंड खुद की प्रोफाइल को ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल ये शो कर रही हो कि आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, उस कॉलेज को फ़ायदा होगा अगर वो आपको ले रही है अपने यहाँ पर एज अ ग्रेजुएट, एंड तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ये लॉजिक तो मेरे को समझ में आ गया है बट अभी ये लॉजिक कितनी जल्दी अप्लाई हो पाता है वो नहीं पता। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर देना, और आगे की वीडियो में और डिटेल बताते रहेंगे कि कॉलेज शॉर्टलिस्ट हो गए हैं या नहीं। पसंद आ रहे हो तो कमेंट करके एक बार हिंट ज़रूर दे देना मेरे को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो। लव फ्रॉम माय स्टूडेंट्स फ्रॉम लखनऊ। बाय।